सकते हैं सीएम भूपेश बघेल? कार्यकर्ता जोश से भर गए हैं। नोटबंदी नहीं नोट बदली कहा जा रहा है, अब नोटबंदी नहीं नोट बदली कह रहे हो, 2000 के नोट को वापस 30 सितंबर तक लेना है। 2016 में इसको शुरू किया गया, तब कहा गया था इसमें नैनो चिप लगे हुए हैं, मतलब इसको जमीन के अंदर भी कितने फीट 150 फीट तक के आप डाल दोगे तो पर भी वो चिप निकाल सेटेलाइट से पता चल जाएगा कि वो काला धन कहाँ है। और काला धन ख़त्म करने के लिए इसे लाया गया था, काला धन तो ख़त्म नहीं हुआ, नोट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब लाया क्यों था ये पता नहीं, अब ख़त्म कर दिए, अब सितंबर में समाप्त हो जाएगा इस अस्तित्व, तो ये बंद क्यों किया गया? आरबीआई ने क्या बताया है क्यों बंद किया गया? और इसे छापने में सैकड़ों करोड़ रुपए लग गए, उस समय 1000 के नोट 500 नोट को बंद किए थे, उस समय शासकीय धन का अपव्यय हुआ, अब बंद कर रहे हैं तब अपव्यय हुआ। एक तरफ आप नोटबंदी करते हैं, फिर GST लाते हैं, फिर लॉकडाउन करते हैं, ये तमाम जो गतिविधियां हैं नोटबंदी GST लॉकडाउन अब फिर अब हो गया IT ED, ये सब कारणों से देश के जो व्यापारी हैं उद्योगपति हैं हजारों लाखों की तादाद में देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। भारत के करेंसी यही था भाई, शासन का क्या है, सत्ता के पास दंड है करेंसी है, ये तो इसका प्रभाव है। अब करेंसी का भी विश्वास खत्म हो गया, अब 2000 चलेगा नहीं चलेगा, अब उसी सितंबर तक के आदमी उसी में लगे रहेंगे, 20,000 नोट ही आप बता सकते हैं, लेकिन एक आदमी कई बार जा सकता है एक ही दिन में, तो एक आदमी को लगाए रखो। खैर हमारे पास तो 2000 का नोट नहीं है भैया। तो सीएम भूपेश बघेल जो है नोटबंदी पर सवाल खड़े कर रहे थे।